जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करा रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चिंता तुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं, सत्य, त्रेता और द्वापर। इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति का ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांत करण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदा अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसलिए श्री गोपी जन प्रमाण हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया।
किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वे दोनों जमाई लेते रहे, नेत्र उगाड़ कर देख भी ना सके। उनके बाल बगुले की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सोनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत श्रोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में ही इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहां मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सोनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चय उत्तर न देता। किसी ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह जाते तो कोई कोई तो अपनी अवज्ञा होने के कारण भैसे बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया, लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगी राज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। जिस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बंदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है, आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं, आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम भगवान ही हमारे रक्षक हैं, यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है, इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ लोक पहुंच गए। धन्य है इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है, मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग
स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक ने कहा, देवर्षि आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पद प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, इसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न होकर समाहित चित होकर सुनिए। नारद जी द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है, वह श्रीमद् भागवत का पारायण है जिसका गान सुकादि मानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा, इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िये भाग जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलम्ब ना कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा ग्रह पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद वर्तक हो जाता है। खांड एक के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर ही उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है, यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चार श्लोकों में इसका उपदेश किया था, उसे सुनते ही उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, मानुभावो आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर सेठ जी के सहस्त्र मुखों से गाये हुए भगवत कथा अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ,
जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद भागवत महात्मे कुमार नारद संवादे नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रीमद भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।